अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मैं आज बना रही हूँ कच्चे कीमे की टिक्कियों का सालन, बनाते हैं। चलें चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना काम। स्टार्ट तो मैं काफ़ी पहले कर चुकी हूँ। ये कीमे की मैंने छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के रखी हैं, इसको मैं पहले फ्राई करूँगी। मैंने चॉप करके जो है वो रखे हुए हैं प्याज का मसाला बनाऊंगी और इधर मैं कीमे की टिक्की फ्राई करूंगी। तो मैं हल्का सा फ्राई करूंगी इधर, और इधर मैंने कीमे के लिए मैंने जो है वो ऑयल भी डाल दिया है तवे पे, तो इस पे डालते हैं टिक्की फ्राई। कैसे भी हल्दी ऑयल नहीं डालूंगी। कीमे की टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं, जैसे ये गोल्डन कलर आ जाएगा तो मैं इनको तवे पे से उतार दूँगी। सुकड़ गई हैं, छोटी छोटी हो गई हैं, अब इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से। टिक्की कीमे की टिक्कियों का सालन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, मगर बंदा थक जाता है। वो क्यों? क्योंकि मैं भी बहुत थक गई हूँ टिक्कियाँ बनाते बनाते। छोटी छोटी है तो आसान बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, मगर जो इसकी मेहनत होती है ना वो होती है सिर्फ तैयारी की। तो क्योंकि प्याज भी होते हैं इसके, टिक्कियाँ भी, टिक्कियों को भी जो है वो छोटा छोटा हमें बनाना पड़ता है। ये देखिए ये साइड जो है ऑलमोस्ट मेरी डन हो चुकी है, बाकी ये हल्की हल्की सी रह गई है, इनको भी मैं कर लेती हूँ और निकाल लेती हूँ प्लेट पर। टिक्कियाँ हैं वो मेरी सारी माशाल्लाह से बन गई हैं, तवे से मैंने सारी उतार दी हैं। ये सारी बनी हैं मेरी टिक्कियाँ, इधर बस जल्दी से मसाला तैयार करती हूँ। मसाला मेरा 5 मिनट में बस तैयार हो जाएगा। मैं लहसुन अदरक डाल के चारों मसाले डालूंगी इसमें, चारों मसाले डाल के फिर टमाटर डाल दूंगी और साथ ही दही डाल दूंगी मैं इसमें। दही कीमा होता है उतनी दही होती है, उतने ही टमाटर होते हैं, इसका पकाने का जो तरीका है। इसमें मैंने चारों मसाले डाल दिए हैं और बस हल्का सा हिला लेती हूँ ताकि मसाला जो है वो थोड़ा सा कच्चा ना रहे। कच्चा रहने की ज़रूरत नहीं है, खैर इसी में कच्चे कच्चे में ये मज़े का बनेगा। और ये मेरे 4 टमाटर, 4 से 5 अदर टमाटर हैं बड़े बड़े, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको हमने टमाटरों को भी गलाना नहीं है, ऐसे साथ या जीटीज ही रहने देना है। और साथ ही मैं सीमे की टिक्कियाँ डाल देती हूँ इसी में, और साथ ही दही गलेगा इसमें। सीमे की टिक्कियाँ, कीमे की टिक्कियाँ और ये दही, ये सारा साथ ही सब चीज़ें डलेंगी। इसे दम पे रख दूँगी मैं बस। माशाल्लाह से दही भी डल गया और टिक्कियाँ टमाटर सब चीज़ें डल गई हैं। बस इसको थोड़ी सी फ्लेम पे मैं रख दूँगी ताकि ये जो है उसी में थोड़ा सा बस इसका मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए। इतने प्यारे कलर लग रहे हैं। उम्मीद है मेरी व्यूअर्स को जो है, मेरी ऑडियंस को ये वीडियो, ये खाना बहुत कीमे की टिक्कियाँ जो मैं सालन बना रही हूँ बहुत पसंद आएगा। ये यूँ ही खड़े खड़े टमाटर रखने हैं हमने, ज़्यादा नहीं इसको वो करना हमने। कच्चे कीमे की टिक्कियाँ रेडी हो गया है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ मसाला, गरम मसाला इस पर डाल के तो दम पे रख दूँगी और ये इसका ऑयल जो है वो बाहर आ जाएगा। सालन अब मेरा माशाल्लाह बिल्कुल रेडी, बहुत टेस्टी, बहुत लजीज बनता है ये खाना। इसमें से निकाल के चखते हैं कैसी बनी है ये टिक्कियाँ। मुझे तो बड़ी टेस्टी लग रही हैं, यम्मी 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 आ नहीं रही हैं हाथ में। इतनी टेस्टी है कीमे की टिक्कियों का सालन बनाए, इतना टेस्टी है कि बहुत ही, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। बस अभी थोड़ी देर में हम खाना खाते हैं तो इन्जॉय करते हैं, आप लोग भी इन्जॉय करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।